नहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। जो हारे ना हिम्मत करे सब वो हासिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीजन ये था कि जो सिंगिंग का वर्कशॉप है वो चल रहा है ऑलरेडी, और उसी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसी वर्कशॉप से ही मुझे मिला है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि गाना तो गाते हैं, कैराओके में गाते हैं, लेकिन जब गाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कैराओके में गाना गाने में। तो मुझे लगा उनके लिए एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए ताकि सबको फायदा हो। और अगर आपको इस वर्कशॉप में आना है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका जरूर भेजूंगा। तो सबसे पहले उस वर्कशॉप से कुछ मैं झलकियां दिखाना चाहूंगा आपको। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। हाय, मैं हूँ मिसेस यामी अरुणाचल से। पहली बार सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, वैसे तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सिंगिंग की। तो मैंने ज्वाइन किया अभिजीत सर के सिंगिंग क्लास ऑनलाइन, 4 डेज का वर्कशॉप है और मुझे 2 दिन हो गए सीखने को। बहुत अच्छे लगे अभिजीत सर, यू आर द ग्रेट। आपने जिस तरह से हमें बताया कि हमें ब्रीथिंग कैसी लेनी है, हमें सा की प्रैक्टिस कैसी करनी है, 1 टोन 1/2 टोन जो सिखाए हैं अभी तक, मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा करती हूँ कि हमारे जो 2 दिन के और वर्कशॉप बचे हुए हैं बहुत कुछ और सीखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाय अभिजीत, दिस इज श्रीकांत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर यू नो ऑर्गेनाइजिंग सच अ सेशन, यू नो इट इज रियली यूजफुल सेशन। सो बेसिकली आई सिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉन्ग्स इन स्मॉल स्टार मेकर एंड ऑल, यू नो, विद मलयालम हिंदी सॉन्ग्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो वट आई यूज टू गेट द कमेंट इज, यू नो, सॉन्ग इज गुड बट यू नो यू टू लिटिल बिट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन the tempo, the rhythm, and you know that used to be the common comment. So I really want to you know improvise myself and you know to improve the songs as such. So I've been looking for something. I mean, I've been googling, I've been doing a lot of research on this, but you know I have not been getting the points which really I wanted. So this session, you know, happened to be very good, and the points you are talking, it's been pretty useful. I think, you know, with connecting with you more and more, I think it is going to really help me to improve my songs. I'm really looking forward to it. I think Abhijit sir is an absolutely great sir to learn from. He has immense knowledge on the subject, and he is ever so patient. Like, I can make the same mistakes every class, but He's so passionate about what he teaches that, you know, he corrects you with so much patience, and I really like that about him. Thank you, sir. हेलो सर, नितिन कदम हियर। और बहुत ही बढ़िया हुआ ये 3 दिन का सेशन, और कल हमारा लास्ट डे है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर मिली, और आपका जो तरीका है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके सिखाते हैं आप सर। थैंक यू सो मच। और आपके टास्क भी बहुत बढ़िया रहते हैं सर, ठीक है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल नॉलेज, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो वर्ड है कैराओके, अच्छा ये कैराओके जो वर्ड है इसके ऊपर भी बहुत सारा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसके ऊपर भी बहुत सारा कन्फ्लिक्शन है, कोई इसको कैरियोके बोलते हैं, कोई इसको कैराओके बोलते हैं, तो मैं तो कैराओके बोलता हूँ। तो नाम से क्या मतलब है, चलिए काम से मतलब है। तो जो कैराओके जो वर्ड्स है ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, तो उसका जो मीनिंग है बेसिकली वो मीनिंग ये है, कैराओ यानी एम्प्टी और ओके यानी ऑर्केस्ट्रा, तो ऐसे करके इसका पूरा एक मीनिंग बनता है। तो हम लोग आज एक एक करके देखेंगे कि प्रॉब्लम आपके साथ क्या होता है जिसके वजह से आप जब कैराओके में गाना गाते हो वो सही तरीके से नहीं होता है। तो सबसे पहले जो टिप्स है मेरा वो तो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका जो गाने का स्केल है यानी आपका जो रेंज है गाने का वो सबसे पहले आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गाना आपको पसंद आ गया और आपने तुरंत उसको सिलेक्ट कर लिया गाने के लिए, क्योंकि सामने वाले को वो नहीं दिखेगा, वो आपको खाली यही दिखेगा कि आप गाना कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे गा रहे हो, उसको ये चीज़ दिखेगा, ना कि आप कौन सा गाना पसंद करते हो वो दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गाना जो है वो अपने रेंज के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करें। सपोज अगर वो अगर नहीं कर पा रहे तो उसको आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं या तो अप कर सकते हैं जो उसका स्केल है, तो वो तो फैसिलिटी आप रहती है कैराओके में, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप जितना ओरिजिनल मतलब जो ट्रैक है उसमें गा पाओगे, उस स्केल में गा पाओगे, तो वो सुनने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऊपर नीचे करेंगे तो जो क्वालिटी होती है, जो कैराओके की जो क्वालिटी होती है बेसिकली वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि अपना जो रेंज है उसी में गाना सिलेक्ट करें आप। ठीक है, तो अब जाते हैं जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है लिखेंगे। तो सेकेंड जो पॉइंट है, लिरिक्स को याद करके गाएं। हमेशा ये होता है कि कैराओके में जब गाते हैं तो या तो आप स्क्रीन पे जो लिरिक्स चल रही होती है तो वो आप देखते हैं या तो मोबाइल देख के गाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बैकअप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा लाइन टू लाइन आप देख के गा रहे हो, आप फर्स्ट जो लाइन है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको आपने देख लिया, फिर वो अंदर से आपको जो वर्ड्स है जो लिरिक्स है उसका वो आना चाहिए, ना कि आप पूरा लाइन टू लाइन एक एक जो वर्ड्स है वो देख के गा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो हट जाता है, पूरा फोकस आपको उस लिरिक्स पे चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा लैगिंग भी होता है, यानी जो लिरिक्स चल रहा होता है उस स्क्रॉल होता है बेसिकली, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आप ट्राई करें जितना हो सके आप जो लिरिक्स है उसको आप याद कर ले, सबसे वो बेटर है। तो तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है अपने कान को पहले तैयार करें। कान तैयार यानी वो एक कहावत है ना कि तानसेन से पहले कानसेन बनो, तो ये इसलिए है कि आप जितना अपने कान को शार्प करेंगे, कान को शार्प यानी वो ऐसा है कि समझो कि जब भी कोई लिरिक्स आप देख के गाते हो या तो जो ट्रैक जो चल रहा होता है, ट्रैक का जो एक ग्राफिक्स भी चल रहा होता है, तो आप जितना उसको देख के गाओगे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि लैगिंग होती है यानी आगे पीछे हो जाता है, जो ग्राफ चल रही होती है थोड़ा सा बाद में आता होगा, या तो मतलब जो भी है चीजें आगे पीछे होती है कभी कभी। तो आप ट्राई करें जितना आप सुन रहे हो उसी के सहारे आप गाना गाओ, गाने को परफॉर्म करो, क्योंकि रियल टाइम में आप जो सुन रहे हो वही सही है। ठीक है, तो वही आपको सही जजमेंट देगा उसके साथ चलने के लिए, यानी जो ट्रैक है उसके साथ चलने के लिए। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, जो आपको जो कान है उसको थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा बेसिकली। चौथा जो पॉइंट है वो है आप गाना कितना एंजॉय करके गा रहे हो। देखो अगर देखा जाए तो जो कैराओके है वो तो रिकॉर्डेड है, उसके साथ तो आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप तो वहां पे लाइव परफॉर्म कर रहे हो ना, आप लाइव गा रहे हो, तो आपको ट्राई करना है कितना उसके साथ आप जो ट्रैक चल रहा है उसके साथ आप कितना घुल मिल के आप परफॉर्म कर रहे हो, तो इससे भी काफी सारा
मतलब बेसिकली आपको टेंशन में नहीं गाना है, सारी चीजें अंदर से आनी चाहिए, एक जॉयफुल तरीके से होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है, तो आप जब भी गाना गाएं तो एंजॉय करके गाना गाएं। पांचवा जो पॉइंट है वो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो सुर का नॉलेज है, जो ताल का नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, आप वो कहीं से भी थोड़ा सा आप उसको अगर ले लेंगे, या तो YouTube में बहुत सारा ऐसे वीडियो है जिससे आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल ही जाएगा वहां से, तो ये अगर कर लेंगे तो आपका जो कैराओके सिंगिंग है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये था कुछ टिप्स कैराओके में गाना गाने के लिए, तो कैसे लगा आपको जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।